हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे माउस इवेंट में। इससे पहले आपने देखे थे माउस ओवर माउस आउट, आपको मैं बता चुका हूँ। आज हम लोग देखेंगे माउस डाउन एंड माउस अप इवेंट, कैसे ये वर्क परफॉर्म करते हैं आपके। तो कोड के थ्रू हम लोग देखेंगे। डायरेक्ट आप ओपन कर लीजिएगा अपने VS कोड को। तो सबसे पहले हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर फाइल माउस डाउन अप करके हम लोग यहाँ पर इसे सेव कर देते हैं .html से। ये आपकी फाइल जो होगी वो सेव हो गई है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको doc type html, देन html के डायरेक्ट हम लोग बॉडी की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर बॉडी आप राइटअप कर देंगे। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम लोग एक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो पी टैग आप ले लीजिएगा, एंड पी के अंदर हम लोग एक आईडी दे देते हैं। आईडी इक्वल टू पैरा मैं ले लेता हूँ। एंड उसके बाद आप यहाँ पर पहला फंक्शन क्लिक करेंगे ऑन माउस डाउन। जैसे आप माउस को डाउन करेंगे तो आपका फंक्शन कॉल होगा माउस डाउन करके। मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, माउस डाउन फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। अब देखिए पैराग्राफ के अंदर मैं राइटअप कर रहा हूँ, द माउस डाउन फंक्शन सेट द कलर ऑफ टेक्स्ट टू, इसको रेड कर देंगे। जैसे आप माउस डाउन करेंगे तो इसका टेक्स्ट का कलर आपका रेड हो जाए। तो चलिए इतना आपने क्रिएट कर लिया है, देन हम लोग स्क्रिप्ट में आते हैं। पहला फंक्शन हम लोग क्रिएट कर लेंगे। स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन, एंड फंक्शन का नया नेम है आपका माउस डाउन। सेम लिखना है आपने, डी कैपिटल लिखा तो डी कैपिटल ही आपका रहेगा, माउस डाउन। देन आप यहां पर फर्स्ट एक्सेस कीजिए वैल्यू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी से आप एक्सेस करेंगे, एंड आईडी आपने दे रखी है यहां पर पैरा डॉट। स्टाइल आपको चेंज करना है तो स्टाइल डॉट कलर, स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू आप यहाँ पर राइट अप कर दीजिए रेड। अभी हमें केवल एक ही चीज इसमें चेंज करनी है, आपको उसको रेड कलर क्रिएट करना है। जैसे ही आप माउस को क्लिक करेंगे तो आपका ये रेड कलर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सेव करेंगे आप इसे, पहले इसको रन कीजिए। दूसरी फील्ड हम लोग फिर यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, तो रन पे जाके आप रन कर दीजिए फाइल को। क्रोम पे ही हम लोग रन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए रेड कलर आपका ये हो चुका है। क्लिक करने से आपका क्या हो जाएगा, रेड कलर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो माउस डाउन, जैसे ही माउस डाउन किया आपने, रेड कलर हो गया। और अभी चेंजेस इसमें कुछ नहीं है, रेड कलर ही आपका ये रहेगा। अब दूसरी कंडीशन, अब जब माउस आपका अप हो जाए तो आपका चेंज होना चाहिए ऑन माउस अप। दूसरा फंक्शन हम लोग यूज करें ऑन माउस अप, एंड इसके अंदर हम लोग बना देते हैं माउस अप फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। तो माउस अप में ये दूसरी प्रॉपर्टी चेंज करें तो आप यहां पर लिख देंगे फंक्शन है आपका माउस अप फंक्शन को आप कॉल करेंगे। एंड इसके अंदर भी आप एक्सेस कीजिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड यहां पर आपने लिखा है पैरा डॉट कलर, सॉरी स्टाइल डॉट कलर डॉट कलर इक्वल टू, आप चेंज करें इसको, हम लोग कर देते हैं ग्रीन। तो आपने क्या किया, यहाँ पर लिखा भी है मैंने टेक्स्ट में रेड कलर हो जाए। एंड br के बाद हम लोग यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी देते हैं br, यहाँ पर देते हैं द माउस अप फंक्शन सेट द कलर टेक्स्ट कलर ऑफ टेक्स्ट टू ग्रीन। मैंने ग्रीन दे दिया तो हमने ग्रीन पे राइट अप कर दिया है। सेव कर देंगे आप। सेव करने के बाद आप सेम फाइल को ओपन करके रन करेंगे तो अभी देखिए ब्लैक है। जैसे आपने माउस प्रेस किया तो आपका रेड हो जाएगा, रिलीज करेंगे तो आपका ग्रीन हो जाएगा। फिर से माउस को आप कीजिए रेड, रिलीज करेंगे तो आपका ग्रीन हो जाएगा जो भी कलर आपने दिया हुआ। प्रॉपर्टी आपको चेंज करनी है, इसके एट्रीब्यूट और भी चेंज करने, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एट्रीब्यूट करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये था आपका माउस डाउन एंड माउस अप इवेंट इन
जावा स्क्रिप्ट। तो ये आपका माउस का इवेंट है, अप एंड डाउन। थैंक यू स्टूडेंट।